दोस्तों नमस्कार, मोहम्मद अजहर कुरैशी साहब से मिल रहे हैं। फूल मालाएं पहने मेरे साथ में खड़े हुए हैं। महिलका कुरैशी जो पार्षद हैं और पूर्व पार्षद आरिफ कुरैशी आजमनगर के बेटे हैं और लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं। क्या दायित्व मिला है, किस तरीके से निर्वहन करेंगे, इन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं अजहर कुरैशी से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास। देखिए, पार्षद आरिफ कुरैशी महिलका कुरैशी के बेटे को आज जिम्मेदारी मिली समाजवादी पार्टी में। बात करने जा रहे हैं महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी साहब से। क्या कहना चाहेंगे साहब, यूथ बहुत जुड़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं आपसे। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें विभिन्न पार्टियों के लोग दिन प्रतिदिन सम्मिलित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब शासनकाल था उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 का, जो भी उन्होंने जनहित के कार्य किए थे, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे छात्राओं का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर क्षेत्र में काम किया था। तो उनके जो जनहित के कार्य थे, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न पार्टियों के लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे पार्टी के नगर निगम के सबसे वरिष्ठ पार्षद हमारे आरिफ कुरैशी साहब के ये बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं अजहर कुरैशी साहब। इनको लोहिया वानी का प्रदेश का सचिव आज मनोनीत किया गया है। हम पार्टी की ओर से, अपनी ओर से, पार्टी के सभी नेताओं की ओर से तहे दिल से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने में अपना कार्य करेंगे। गौरव सक्सेना पार्षद नगर निगम मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे नगर निगम में साथी पार्षद वरिष्ठ पार्षद आदरणीय आरिफ कुरैशी साहब की दूसरी पीढ़ी भी समाजवादी पार्टी में इस तरह से पद प्राप्त हुआ है। हमारे भाई अजहर कुरैशी साहब जो बहुत लंबे समय से जो है ये भी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं युवाओं के साथ जुड़कर, इनको आज प्रदेश सचिव बनाया लोहिया वानी के लिए, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर कुरैशी। कब से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी में मेरे पापा मोहम्मद आरिफ कुरैशी जब से पार्टी की स्थापना हुई है, जब से आज तक पार्टी में ही है। और मुझे 15-17 साल हो गए समाजवादी पार्टी में। क्या जिम्मेदारी मिली है? मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया लोहिया वानी का। पहले पूर्व में यूथ ब्रिगेड में प्रदेश सचिव थे। क्या कहना चाहेंगे हमारे कैमरे के जरिए, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक जो आपको यूथ देख रहे हैं खासतौर से? जी, यही कहना चाहेंगे कि जो जिम्मेदारी मिली है हमें, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से अखिलेश यादव जी की, युवाओं पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से, क्यों जुड़े आपसे, क्यों जुड़े समाजवादी पार्टी से? क्योंकि युवाओं के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बढ़िया कोई और चेहरा नहीं है अखिलेश यादव जी से। युवाओं को हमेशा ध्यान में रख के चलते हैं अखिलेश यादव जी। युवाओं को नौकरी, पेंशन, सब चीज मिलती है। मिला सवा, क्या कहना चाहेंगी आप इस मौके पर? इस मौके पे यही कहेंगे कि हमारी महानगर अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष और पार्षद जो रह चुकी हैं महिलका कुरैशी जी, उनका बेटा उनका अजहर कुरैशी जी को आज जो प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी का जो पद देकर सम्मानित किया है शीर्ष नेतृत्व ने, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमने अजहर भाई को हमेशा ही बहुत कार्य करते देखा है और आज से नहीं, काफी समय से वो पार्टी के लिए लगे हुए हैं।